दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बहुत सारे लोग नरक देखना चाहते हैं क्योंकि नरक देखने की भी तमन्ना होती है कि नरक कैसा होता होगा। आप नरक देख सकते हैं यहाँ पर, नहर पार, ग्रेटर फरीदाबाद भी बोलते हैं, भारत कॉलोनी, कच्चा खेड़ी रोड, हरी नगर का एरिया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं सुमित गौड़, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं फरीदाबाद 89 विधानसभा के, वो नरक दिखाने लाए हैं मीडिया कर्मियों को, क्योंकि बहुत सारे लोग नरक भी देखना चाहते हैं। तो हम लोग भी नरक देखेंगे। लोग यहाँ गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सीवर का गंदा बदबूदार पानी है। देखिए ये अम्मा कैसे जा रही हैं, और हम भी परेशान होकर चलेंगे। हो सकता है जूते ख़राब हो जाएँ, हो सकता है पैंट खराब हो जाए, हो सकता है छींटे पड़ जाएँ। चलो चलो जी, चलो चलो नरक दिखाओ जी, चलो नरक देखेंगे आज आपका। आप भी परेशान होते हैं तो हम भी परेशान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र है और बड़ी दिक्कत हो रही नरक देखने में, लेकिन देख रहे हैं। चलो अम्मा जी, तो आप लोग नरक में रहते हो? नरक में रहते हो आप लोग? नरक में रहते हैं, कह रहे हैं क्या करें। देखिए यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी भी हैं जो नरक देखने आए हैं। चलो भाई, भाई साहब चलो नरक देखते हैं हम भी। चलो परेशानियों का सामना कर रहे हैं यहाँ के लोग। चलो जी हम, चलो हम भी नरक देख लेंगे आज, देखते हैं आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। चलो भाई, भैया चलो आगे यार, चलो। बहुत बढ़िया नरक है आपका, जाने दो। चलो भाई साहब, काफी भीड़ इकट्ठी हो गई यहाँ पर, देखिए सब परेशान हो रहे हैं, कितना गंदा बदबूदार पानी। चलो जी थोड़ा जाने दो, हम बहन जी हटो जी थोड़ा सा। तो देख रहे हैं आप लोग, नरक नरक देखने आए हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आगे आ जाइए सर, थोड़ा सा आगे। अमित जी आवाज आ रही है, आप सब लोग चुप रहे, सब लोग भाई, सब आप लोग चुप हो जाओ। आपकी जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ग्रेटर फरीदाबाद वार्ड नंबर 28 में, आप 89 विधानसभा में किस तरह का आंकड़ा देंगे सर? देखिए हमें ऐसा है, आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं फरीदाबाद विधानसभा 89 के वार्ड नंबर 28 के हरिनगर में, जहाँ पे आप देखें सारी माताएं बहनें प्यारे बच्चे सब खड़े हुए हैं। ये कैसा नरकीय जीवन जी रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये फरीदाबाद बीजेपी की सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी का आप हाल देखिए, माताएं बहनें सगी सब क्या हाल देखिए, पानी में खड़े हैं। और एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही हरिनगर है जिसकी सड़क आगे देखिए आरएमसी की सड़क बनी हुई है। ये सड़क कांग्रेस पार्टी के समय में ये सड़क बनाई गई थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब आप ये देखिए, आज इस बीजेपी सरकार से जिन्होंने इन लोगों से वोटें तो ले ली, जिन्होंने इन लोगों के को भावनाओं में बेका के, झूठे प्रलोभन दे के, झूठे लालच दे के, इनको झूठा भविष्य दिखा के, बीजेपी सरकार ने केंद्र के चुनाव में वे दो बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इनसे वोट तो ले ली, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पन्ना प्रमुख, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक और यहाँ का विधायक एक बार भी यहाँ आगे नहीं झांका। आप ये देखिए कांग्रेस के टाइम के करे हुए कार्यों की इनसे मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रही है। ये आरएमसी की रोड थी, आज इसका ये हाल हो गया है। ऑटो के पीछे देखिए सारी आरएमसी की पक्की रोड है, इधर ये सारा कांग्रेस पार्टी समय बनी थी, लेकिन आज जो कीचड़ का पानी जो घरों में घुस रहा है, जबकि आज बारिश 3 दिन पहले हुई थी, ये परमानेंट समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ सीवरेज का पानी, गटर का पानी है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये समस्या एक, मैं बात कर रहा हूँ, आप भी बोले माजी। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बारिश को हुए 3 दिन हो चुके हैं, ये बीजेपी वाले सुन लो भैया, और आम जनता से भी कह रहा हूँ, जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो सच दिखे वही बोलना वही लिखना। ये सीवर का पानी है और ये परमानेंट समस्या है, साल के 365 दिन की समस्या है। मैं ये तब मानता हूँ बीजेपी की तरफ से एक भी बंदा नहीं आया, कभी यहाँ पे पंप नहीं आया, कभी यहाँ पे कोई नहीं आया। मैं बाकी बात बाद में बोलूंगा, पहले आप, क्योंकि फिर बीजेपी वाले कहते हैं मैं बोलता हूँ तो इन्हें चुभता है,
आम लोगों की बात सुने, माजी की बात आप सुन। सुमन जांगड़ा, कम से कम 17 साल हो गए, 17 साल से इसी समस्या में रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा ना, हर घर कुछ नहीं। अभी तक कहते थे हाउस टैक्स आपने वोट किसे दिए थे? विधायक बताए कौन है? विधायक कौन है आप अपने यहाँ? नरेंद्र गुप्ता। तो नरेंद्र गुप्ता देख रहे हैं, हट हो गए। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक कितना परेशान है, लोग सीवर के गंदे और बदबूदार पानी में खड़े हैं और परेशान हो रहे हैं। महिलाएं देखिए, सीवर के गंदे और बदबूदार पानी में खड़ी हैं। इतना गंदा बदबूदार पानी है कि दम घुट रहा है, यहाँ पर उल्टी हो जाए। मैं एक बात तो बताना चाहता हूँ, देखिए फिर ये बीजेपी वाले कहते हैं ना, अब आप देखिए इस शहर में, मैंने तो साफ कह रखा है आपसे, मेरे लिए पहले मेरी ये मैं देखिए मैं बात करूंगा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि मेरा इतना बड़ा मैं नेता नहीं हूं कि पूरे हरियाणा की मैं बात उठा सकूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की आवाज, और जहां मेरा घर है ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र, जहां मेरा कार्य क्षेत्र है, वहां की जनता की तकलीफ मैं ऐसी उठाता रहा हूं और ऐसी उठाता रहूंगा। मैंने नाव भी चलाई है, मैं कूड़े में भी बैठा हूं, मैं दूरबीन लेके विकास कार्य ढूंढ रहा हूं आज भी, और मैं गर्म गंदे पानी में भी पिछले हफ्ते बैठा था, गटर का पानी, और आप बात करिए गटर का पानी है। ये बीजेपी वाला हूं, आप ये देखिए, इनसे पूछिए। मैं एक बात कह जाता हूं, एक बार सुनिए आप जरा, आपसे बीजेपी वालों ने क्या क्या के वोट मांगे थे? सबके वोट मांगे थे, कुछ भी नहीं सुविधा दी, वोट मांगे थे वहां जाते हैं। ये पता तो आप लोग देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, और अम्मा कुछ कहना चाहती हैं। कब से परेशानी है? 17-18 साल हो गए भैया यहाँ ऐसे। नाम है आपका? रामलता। हेमलता? रामलता। रामलता हाँ। कहाँ घर है आपका? यही हरिनगर में ही। ये पानी ऐसे भरा ऐसे ही भरे रहते हैं, यहाँ गंगा जी बनी रहती है हर समय, हमेशा तीन रास्ता तीनों ही ऐसी हुई पड़ी है। हरिनगर के लिए तो रास्ता कहीं से भी ना कोई मर जाए उसके लिए, ना कोई जिंदे को लिए, ना अपने घर की सुविधा सब तरह की कर रखी है, जो कर रखी है यहाँ की कोई सुविधा ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, यहाँ पर चलना मुश्किल है। बाइक वाले बेचारे सीवर के गंदे पानी में खड़े हैं, साइकिल वाले भी टूटी जा सके ना, बच्चे की परेशानी जितने हम उतना उठाते हैं, जाने में दिक्कत होती है। अरे सारे बच्चे सनसन के आते हैं, डेली यूज कौन करे अपनी बच्चे की ड्रेस धोने, कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब, रिश्तेदार आने तक परेशान है, अपने आप ही परेशान, रिश्तेदार कहाँ से आ जाएगा? क्या बोलते हैं इस जगह को? हरिनगर। हरिनगर ये VIP नगर है, सेक्टर के अंडर में आ गया, 87 में आ गया। 87 सेक्टर है फरीदाबाद, 89 विधानसभा क्षेत्र है, हरिनगर बोलते हैं। यहाँ पे तो ऐसा काम हो रहा है कुछ नहीं है भैया, यहाँ ऊँचा है ना, ऊँचा हो रहा है ना काम, नीचे नीचा हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं नाम ऊंचा है काम नीचा है, और इतनी पब्लिक परेशान है, इतनी दुखी है कि लोग भाजपा नेताओं को वोट नहीं देंगे, शायद तो वोट देंगे आगे, अभी भाजपा को वोट देंगे आगे, अगर वोट लेने आ जाओ सिर और फोड़ दे, ऐसे इनके वोट दे जा, फिर फोड़ दोगे और क्या करे फिर ऐसे। कौन है विधायक? अब तो नरेश नंबरदार, और वो है जो क्या नाम है उसका, नरेश नंबरदार पार्षद है, पार्षद है, और विधायक हुए हैं क्या जो 19 सेक्टर में रहते हैं? नहीं पता नाम। नरेंद्र गुप्ता। अच्छा नरेंद्र गुप्ता। हाँ सर फोड़ दोगे उनका? फोड़ ही देंगे, जब इंसान दुखी है तो क्या कर सके, और काम ठीक कर दें तो ये काम बढ़िया हो तो दुनिया बड़ाई करे, बुरे काम को कोई बड़ाई नहीं कर सकता। ये जो विधायक पार्षद सुन रहे हो, अगर काम अच्छा करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, तो हो सकता है जनता फिर से आशीर्वाद दे। अगर हालात यही रहे तो कह रहे सर फोड़ देंगे आपका। पब्लिक परेशान है। सुमित गौड़ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहाँ पर आए हुए हैं, नरक दिखा रहे हैं, और पब्लिक देखिए घुटने भर गंदे बदबूदार पानी में पब्लिक खड़ी हुई है, महिलाएं खड़ी हुई हैं, और लोग दुखी हैं। आप लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नरक बना दिया फरीदाबाद को, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ क्या नाम? हमारा रोड बनवा दो। रोड बनवाते हैं, स्कूल जाने के लिए परेशान हो जाते हैं हम, स्कूल नहीं जा पाते, नहीं जा पाते, इतनी गंदगी में कौन जा पाएगा। बच्ची कह रही है हम स्कूल नहीं जा पाते, रोड बनवा दो, बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा ये बच्ची कर रही है। सब परेशान है आप लोग? परेशान है यार, देखो उनकी वजह से शटर भी ना खुले, सब दुकान बंद कर दिए, जो रोड बनाएगा उसी को पहले रोड बनवाए, बाद में वोट ले हमसे। पहले व्यवस्था होनी चाहिए।
पानी की व्यवस्था दूर की जाए, रोड बनवाया जाए, तभी पब्लिक वोट देगी, नहीं तो वोट नहीं देगी इनका, साफ साफ कहना। और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, देखिए पूरी गली इकट्ठा हो गई है और सब परेशान हैं। सभी लोग मीडिया के जरिए अपनी परेशानी बता रहे हैं। इनसे अम्मा जी, तो आप लोग देख रहे हैं जो भी महिलाएं हैं सब परेशान हो रही हैं। बाकी देखते हैं इस मामले में क्या होता है, क्या ये रोड बनाई जाती है। बाकी दूर तक नरक, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी आने का रास्ता भी नहीं है और इतना बुरा रास्ता है कि हमने भी गाड़ी मेन रोड पर ही खड़ी कर दी और किसी तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आप गाड़ी से आ भी नहीं सकते, बाइक भी लेकर आएंगे तभी चार जगह गिरेंगे ज़रूर, कपड़े आपके खराब ज़रूर होंगे। जिस तरह ये बाइक वाला बीच में खड़ा है, बिल्कुल कपड़े खराब हो रहे हैं, जूते चप्पल सब खराब हो रहे हैं, इसी तरह से आपको भी आना पड़ेगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नरक बन गया है। तो आप लोगों को नरक देखना है ज़रूर यहाँ पर है। वैसे फरीदाबाद में और ऐसे कई नरक हैं जहाँ पर ऐसी ही स्थिति है। तो जब तक ये बदलाव नहीं होगा, जब तक काम अच्छा नहीं होगा, जब तक रोड नहीं बनेंगे, तब तक पब्लिक नाराज़ ही रहेगी, जिस तरह से यहाँ पर पब्लिक नाराज़ है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।